दिल्ली फसादात में जय श्री राम के नारे ना लगाने पर 9 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया है। चार्जशीट पुलिस ने अदालत में जमा करा दी। रवां साल भारतीय दरअसल हुकूमत दिल्ली में हुए मुस्लिम कुछ फसादात की चार्जशीट पुलिस ने अदालत में जमा करा दी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे न लगाने पर मुसलमानों पर हमला करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल किए गए 9 अफराद में से एक हमजा के कत्ल के सिलसिले में गोकालपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR की चार्जशीट पर पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में फसादात के दूसरे दिन 25 फरवरी को कट्टर हिंदू एकता के नाम से इंतहा पसंद हिंदुओं ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। दिल्ली पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराई गई चार्जशीट में पुलिस ने इंकशाफ किया है कि व्हाट्सएप पर एक दूसरे से राबिते में मौजूद इन इंतहा पसंदों से मुसलमानों पर हमला करने का कहा गया था और एक दूसरे को लोग हथियार और गोला बारूद फराहम करने का भी कहा गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में पुरतशद्दुद वाकयात के सिलसिले में कत्ल किए गए 3 अफराद अमीन, भूरे अली और हमजा के मामले पर 3 चार्जशीट दाखिल की हैं। इन चार्जशीट में फसादात भड़काने और कत्ल के लिए 9 अफराद पर इल्जाम आयद किए गए हैं, जिनमें लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकद चौधरी, प्रिंस जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विकास पांचाल, ऋषभ चौधरी और सेठ चौधरी शामिल हैं।